बड़ी खबर आपको बता दें, डीके शिवकुमार की राहुल गांधी से एक तरफ मुलाकात चल रही है, तो वहीं साथ ही अब यह संकेत मिलने लगे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं उनके घर पे मुलाकात होगी। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया को साथ बिठाया जाएगा। साथ ही तमाम नेता आज शाम बेंगलुरु पहुंचेंगे, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिस पर औपचारिक रूप से मोहर लगेगी सिद्धरमैया के नाम पर, और सिद्धरमैया होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही। श्री बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है, और साथ ही आज शाम तक बेंगलुरु लौटेंगे कांग्रेस के नेता, विधायक दल की बैठक में नाम का ऐलान होना है बेंगलुरु में, और उसकी भी वहां पर तैयारी कहीं ना कहीं हो रही होगी क्योंकि कल शपथ हो सकती है, ये फिलहाल अपडेट। सीधे आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु ग्राउंड जीरो, जहां से मेरे सहयोगी जनेंद्र हमें लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं। जनेंद्र, अब तैयारी वहां भी शुरू हो गई होगी अगर कल शपथ होनी है तो? बिल्कुल, देखिए, और उसके लिए राजभवन की तरफ से तैयारियां की जाती हैं और उसमें बहुत समय नहीं लगता है। अब इंतजार है सभी नेताओं के बेंगलुरु आने का, यहां पर विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें कि जो औपचारिकता होती है, जिसमें औपचारिक तौर पर सिद्धरमैया के नाम को प्रपोज किया जाएगा और फिर उस पर मुहर लगाई जाएगी और वो नेता चुन लिए जाएंगे विधायक दल के, यानी बहुमत वाली पार्टी यानी मुख्यमंत्री। मैं सिद्धरमैया के घर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सिद्धरमैया की तस्वीर के साथ समर्थक जश्न मना रहे हैं। हालांकि अभी ज्यादा संख्या नहीं है, अभी अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है, यहां पर अब समर्थक जुटने लगे हैं। जो होर्डिंग बैनर पोस्टर हैं उन सब पर सिद्धरमैया के नाम के आगे मुख्यमंत्री लिख दिया गया है। हालांकि समर्थकों ने तो नतीजे के बाद ही लगा दिया था, लेकिन अब यहां पर जो सिद्धरमैया के समर्थक हैं वो अब तक डिमांड में नारे लगा रहे थे, अब खुशी में नारे लगा रहे हैं। और बात करते हैं इन लोगों से, आप लोग हिंदी अगर बोल सकते हैं कि क्या कहेंगे जो फैसला हुआ और कितने खुश हैं? बहुत संतोष हो गया। अच्छा, ये सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया, चावल दिया, 10 kg चावल देता है और घर के दो सौ यूनिट करंट दो मिनट। कोई भी मुख्यमंत्री जो बनता वो देता, सिद्धरमैया के बनने से क्यों खुश हैं आप लोग? सिद्धरमैया ये क्या, ये लास्ट टाइम में सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हुए था, उन्होंने साहब जी 150 में 145 सभी कर लिए चावल। डीके शिवकुमार नाराज बताए जा रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है? अभी डीके शिवकुमार नहीं हुई, हमें सभी सिद्धरमैया फॉलोअर्स अभी बने हैं ना, सभी हमें डीके शिवकुमार सेकंड टाइम में मुख्यमंत्री बनाता है। आप कह रहे कि डीके आगे बनेंगे? हाँ, नेक्स्ट आगे बनेंगे। कब बनेंगे, क्या बीच में ही बनेंगे? बीच में ही बनेंगे। किसने बताया आपको? हमें संपूर्ण हमको विश्वास है वो। देखिए, ये जो समर्थक है, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमें सिद्धरमैया जी, डीके शिवकुमार हमारे कैप्टन ही जो है, दो जना हमारे कैप्टन है। अब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी आने वाले वजह से सिद्धरमैया साहब एक बैकवर्ड वोट सिद्धरमैया पर है, सिद्धरमैया ये है, उसके बाद फर्स्ट सिद्धरमैया साहब मुख्यमंत्री होना हमारा दिल खुशी हो गया। नेक्स्ट टाइम डीके शिवकुमार सिद्धरमैया से हमारे फैन से 100% जॉइंट करके डीके साल सिद्धरमैया को कितने साल सीएम बने रहना चाहिए? सिद्धरमैया साहब को पांच साल करना भी हमारा है, हाईकमांड क्या डिसाइड करता है उसको। देखिए, चूंकि डीके ने जिताया है चुनाव अध्यक्ष के तौर पर, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन सिद्धरमैया बने हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, खुद एक समर्थक ने कहा, समर्थकों में एक उत्साह है, खुशी है। और अगर हम मुख्यमंत्री की पसंद की बात करें तो चुनाव से पहले भी तमाम सर्वे में सिद्धरमैया को लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, कांग्रेस की सरकार देखना चाहते थे, तो आखिरकार उसी जो लोकप्रियता है और जो जनाधार है उस पर मुहर लगी है। विधायकों का समर्थन भी सिद्धरमैया के पास है और सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री बनने की खबर के बाद उनके घर के बाहर समर्थक जुटने लगे हैं, नारे लगा रहे हैं, सिद्धू के नारे लगा रहे। मुझे तो पंजाब याद आ गया, वहां पर सिद्धू बाजी नहीं मार पाए थे, लेकिन कर्नाटक के सिद्धू ने बाजी मार ली है एक बार फिर, और एक बार फिर सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।